हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण मची भारी तबाही से प्रदेश का हर नागरिक जहां सहमा है, तो वहीं प्रदेश में दोबारा आपदा की स्थिति न पनपे इसके लिए अपने स्तर पर प्रयासों को सुनिश्चित भी करना चाहता है। बावजूद इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी प्रशासन के अधीन व प्रशासन के समक्ष रखने के लिए आम जनमानस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का सहारा लेता है। इसी के चलते राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार दयानंद पब्लिक स्कूल जहां अपने गरिमापूर्ण मापदंडों को अपनाए हैं, तो वहीं इन दिनों इस विद्यालय की बिल्डिंग यहां के अभिभावकों को चिंतित कर रही है। जहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने और स्कूल में छात्रों के रहने के दौरान बेहद चिंतित है, परेशान है। वजह है स्कूल की बिल्डिंग का असुरक्षित होना। गौर हो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्कूल की बिल्डिंग के साथ सटे क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण भारी बारिश के दौरान स्कूल की बिल्डिंग खतरे की जद में आ गई है। वहीं लगातार आ रही जानकारियों के चलते स्कूल के अभिभावक बेहद चिंतित है, जिसके चलते मंगलवार स्कूल के अभिभावक विद्यालय प्रबंधन के साथ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण में पहुंचे, वहीं स्थिति का जायजा लिया, जहां अभिभावकों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द अपने कार्य को दुरुस्त करने की मांग की, ताकि यहां पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित रह सके और अभिभावक भी निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। हम आए थे स्कूल की स्थिति देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ हुआ है, क्योंकि बहुत सुनने में अखबारों के थ्रू आप लोगों के थ्रू पता चलता रहता है कि बिल्डिंग अनसेफ हुई हुई है कुछ ऐसा, तो हम देखने आए थे। तो ये देख करके यही पता चल रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि इसमें दो यूनिट में बनी हुई, एक मेन बिल्डिंग है और एक उसके पीछे दूसरा यूनिट है उसका, तो वो बेशक अलग अलग बना हुआ है लेकिन वो रिस्क पर है, ठीक है। और वो जो भी इस पर अभी इन्होंने NOC तो इनको मिला हुआ है चलाने के लिए स्कूल को, बट फिर भी इसमें कंडीशनल वो है और उसमें जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक ये रिस्क रहेगा। वो ऐसे ये जो काम पीछे चल रहा था PWD का, वो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो वैसे तो सारा कसूर तो उन्हीं की वजह का है कि वो उनको PWD को चाहिए कि वो जल्दी इसको कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा वो जो फाउंडेशन से इसकी मिट्टी विट्टी निकल रही है और जो नीचे काम चल रहा है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को, वही एक कारण है इसमें। तो हम सरकार से आप लोगों के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके PWD को गाइडलाइन जारी करे और इनसे जितनी जल्दी हो सके ये जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करवाए, ताकि बच्चों की सेफ्टी हो, स्कूल के स्टाफ की सेफ्टी हो, ठीक है ना, और पूरे शिमला का मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो नुकसान होता है अगर कहीं बिल्डिंग को कुछ भी होता है। सर अभी आप देख नीचे क्रैक्स आए हुए, इसलिए इन्होंने 2 फ्लोर इसके बंद किए हुए हैं सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। लेकिन जो ये मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे निचली वाली बिल्डिंग जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स हैं और नए क्रैक्स हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिश के उसमें और बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो जब नीचे खुदाई से बिल्डिंग को नुकसान हुआ, अगर नीचे वाली बिल्डिंग को कुछ नुकसान होता है तो मेन बिल्डिंग को भी हम ये नहीं कह सकते सेफ होगी, ठीक है। नुकसान कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसका कोई इनका पर ये चाहिए इनको जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए। चाहे वो स्कूल ने, इन्होंने स्कूल वाले कहते हैं कि हमने काम अवार्ड कर दिया हुआ है PWD के किसी ठेकेदार को, तो वो अब जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा, तो उतनी ज़्यादा सेफ्टी सिक्योर होगी। कंसर्न यही था, हम भी आप लोगों के माध्यम से ही, हमें इतना पता लग रहा था कि जो यहाँ पे कई पेरेंट्स आए स्कूल में मिलने, बट उनको मौके पे जाने नहीं दी जा रहा था आज तक। तो हमारा कंसर्न मेन यही था कि जो अखबारों में न्यूज़ आ रही थी कि बिल्डिंग थोड़ा अनसेफ है, खतरा है, तो हम भी चाह रहे थे कि एक बार खुद आके यहाँ पे देखें कि बिल्डिंग की क्या हालत है। तो तब हमने मैडम से काफ़ी इंसिस्ट किया, वो अदा हमारे को 1 घंटा लगे गया मतलब मैडम को मनाने में कि कम से कम हमें बताओ और संतुष्ट करो। इस तरह का रवैया और कहाँ, तो उन लोगों को हमें बल्कि रादर वेलकम करना चाहिए वैसे, मतलब कि कोई आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, ताकि आप लोगों के माध्यम से ही न्यूज़ आगे जाती है। तो हमें इनमें जो लगता है कि इसमें मेन गलती PWD की लगती है, जो नीचे काम चल रहा है, कि उनकी वजह से ही जो है अपना रिटेनिंग वॉल नीचे गई है। अभी आपने इनका तो इनका वर्जन तो हुई है कि इन्होंने उनसे बात भी करी है और टाइम लिमिट तो कोई दे नहीं पा रहे हैं कि इतने टाइम में हो जाएगा, बट आज की डेट में जो नीड ऑफ द आर है वो ये है कि ये जो रिटेनिंग वॉल है एट दी अर्लीस्ट इसका काम हो, ताकि स्कूल की बिल्डिंग सेफ हो सके। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो यहाँ पे थोड़ा ये मुद्दा अलग है, वो हमारा अलग मुद्दा है, जनरल हाउस का मुद्दा है, वो हम सिर्फ उसमें उसको बताया हमारा कि जनरल हाउस स्कूल करवाए, जो कि इनको डायरेक्टरेट ने गाइड किया था कि आप जनरल हाउस बनवाओ, उसके बाद आप फीस वगैरह में बढ़ोतरी वगैरह कर सकते हो। तो उस विषय में तो आज हम बिल्कुल हमने बात नहीं की, ना ही हम उसमें बात करना चाहते। इस समय हमारा मेन मुद्दा जो था वो था सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन।
सेफ्टी है बच्चों की अभी क्यों सेफ्टी कह नहीं सकते, लेकिन ये कि जितनी जल्दी काम हो उतना अच्छा है, क्योंकि अभी बरसात अभी खत्म नहीं हुई है, रेनी सीजन अभी चल रहा है, और जब तक रेनी सीजन खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते भी सेफ्टी। और बिल्डिंगों का क्या है, पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, अब नीचे नीचे क्या प्रॉब्लम चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग को रिस्क है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। तो हम आपके आपके थ्रू हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए, पीडब्ल्यूडी वो है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो इसको जल्दी काम कराए, और जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी ये इसमें ठेकेदार जो कंसर्न है इसमें जो काम कर रहे हैं उसको इसको वार लेवल पे काम करना, आपके लेवल पे अगला कि हम जो पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे बात करें, उन तक अपने ये पहुंचाएं सारा स्कूल की सेफ्टी को लेकर के, उसके बाद फिर हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सीएम साहब से भी मिलेंगे, सभी से मिलने का वो प्रयास रहेगा हमारा।